बस में बैठा बूढ़ा आदमी अचानक से खांसना शुरू करता है। उसके मुंह से लगातार निकलती सूक्ष्म बूंदें पूरे बस में फैल रही हैं। अब ये एक संक्रमित बस है। बूढ़ा बस से उतरते हुए जहां कहीं हाथ लगाता है वो जगह अब संक्रमण विस्तार का काम करेगी और जो कोई भी वहां हाथ लगाएगा वायरस उसे भी अपनी चपेट में ले लेगा। दरअसल ये बूढ़ा अस्पताल आने के लिए इस बस में बैठा था। वो डॉक्टर को बताता है कि उसे पिछले 6 महीने से सर दर्द की समस्या है। हां बिटिया एक बात और कि जब भी मैं खांसता हूं तो मुझे उल्टी भी आ ही जाती है और बुखार तो आता जाता रहता है। डॉक्टर तुरंत नर्स से उसका बुखार नापने को कहती है। उसे तेज बुखार है। वहीं बैठी एक लड़की भी अस्वस्थ महसूस कर रही है। नर्स उसका टेम्परेचर नापती है। वो काफी हॉट है। लड़की बोलती है ये बूढ़ा मेरी बगल वाली सीट पर बैठा था और इसी ने मुझे बीमार डाला है। अब खबरों में भी निपा वायरस से संक्रमित पहले व्यक्ति की पुष्टि हो चुकी है। ये वायरस बहुत ज्यादा संक्रमित और तेजी से फैलने वाला है। तभी हॉस्पिटल में एक और पेशेंट की एंट्री होती है। लड़की बताती है ये बच्ची भी उसी बस में बैठी थी जहां ये लापरवाह बूढ़ा बिना हाथ मुंह पे रखे लगातार खांसे जा रहा था। ये बात सुनकर हर कोई सकते में है। खांसना, उल्टी होना, फिर बुखार, ये तो निपा वायरस के लक्षण है। इसी बीच बूढ़े की खांसी और ज्यादा बढ़ गई है। डॉक्टर उसे चेक करने जाती है। तभी बूढ़ा एक भर के खून की उल्टी डॉक्टर के मुंह पे मारता है।